इन नाइन्थ क्वेश्चन आफ्टर प्लॉटिंग द केम ऐप अगेन मार्क द सेल बाय वन बिट सो वन वन हमने मार्क कर लिए है गिवन मिनटर्म्स ए टू जीरो टू एट एंड टेन ये कॉम्बिनेशन भी जानबूझकर लिया गया ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कॉर्नर्स कैसे एक दूसरे के नेबर हैं तो यहाँ पर ये चार का ग्रुप बनेगा बिकॉज दे आर नेबर टू ई ईच अदर हमें पता है कि दो फर्स्ट और लास्ट कॉलम एक दूसरे के नेबर हैं फर्स्ट एंड लास्ट रो भी एक दूसरे के नेबर हैं तो अगर इसको हम देखें दीज आर एडजस्टन टू ईच अदर ठीक है तो अब चार का ग्रुप बना अब आपको बड़े ध्यान से देखना है रो साइड क्या कॉमन है जीरो जीरो वन ज़ीरो दोनों में रो साइड में क्या कॉमन है बी बार बी बार और कॉलम साइड क्या कॉमन है कॉलम साइड जीरो ज़ीरो एंड वन जीरो दैट इज़ ज़ीरो फोर डी डी बार दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द नाइन्थ क्वेश्चन नेक्स्ट इज टेंथ क्वेश्चन फॉर टेंथ क्वेश्चन वी कैन हैव मल्टीपल ग्रुप्स तो ध्यान से देखिएगा एक तो चार का ग्रुप ये बना ठीक है अब नीचे जो हमारा है ट्वेल्व और थर्टीन ट्वेल्व और थर्टीन को भी आप इसमें यूज़ करेंगे दो का पेयर नहीं बनाएंगे ट्वेल्व और थर्टीन को क्या किया इसके साथ आपने यूज़ किया चार का ग्रुप ये बन गया अच्छा अब ये एक दो का ये बनेगा इसको हम जो हमारा एट है इसको हम टेन के साथ भी ले सकते हैं चलिए ये तो सामने दिखाई दे रहा है ये बनेगा चार का ग्रुप चार का ग्रुप कैसे वन टू थ्री एंड फोर ये लीजिए जितने ग्रुप बने यहाँ पर तीन चार चार के ग्रुप बने और एक सिर्फ दो का ग्रुप बना तो अब लिखते हैं इसका आंसर पहले चार का ग्रुप जो हमारा है ज़ीरो वन फोर और फाइव के बीच में रो साइड क्या कॉमन है ध्यान से देखिए बेटा जीरो वन फोर एंड फाइव कॉमन है रो साइड जीरो ज़ीरो जीरो वन जीरो जीरो एंड जीरो वन में क्या कॉमन है ए बार दैट इज इज़ीरो कॉलम साइड क्या कॉमन है जीरो ज़ीरो जीरो वन में सी बार ये तो हुआ एक्सप्रेशन किसके लिए फर्स्ट चार का जो पेयर बना नेक्स्ट फोर का जो हमारा बना है फोर फाइव ट्वेल्व थर्टीन इसके बीच में फोर फाइव ट्वेल्व थर्टीन यहाँ पर जीरो वन एंड वन वन रो साइड देखा जीरो वन एंड वन वन कॉमन क्या आया बी दैट इज़ वन बी कॉलम साइड देखिए ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन कॉलम साइड हमें देखना है फोर फाइव ट्वेल्व और थर्टीन के लिए ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन कॉमन है ज़ीरो ज़ीरो मीन सी बार जब भी आप यहाँ पर देखें फोर वेरिएबल में ऑब्जर्व करेंगे अगर चार का ग्रुप बना है तो दो वेरिएबल रिड्यूस हुए हैं अगर दो का ग्रुप बना है तो एक वेरिएबल रिड्यूस हुआ है और आगे देखेंगे अगर आठ का ग्रुप बनता है तो तीन वेरिएबल रिड्यूस हो जाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट हमारा था पेयर अब हम ले लेते ले हैं चार का एक और जो हमारा बना है ज़ीरो टू तो एट एंड टेन का जो कॉर्नर्स वाले एलिमेंट्स का बना है तो कॉर्नर्स वाले एलिमेंट्स का कैसे देखेंगे रो साइड क्या कॉमन है ज़ीरो ज़ीरो और वन ज़ीरो में ज़ीरो दैट इज़ बी बार कॉलम साइड देखिए आपका ज़ीरो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में ज़ीरो ज़ीरो और लास्ट कॉलम में वन जीरो दैट इज़ ज़ीरो ज़ीरो में राइट हैंड साइड का दैट इज़ फोर डी डी बार अब एक बचा है हमारे पास जो दो का पेयर बना मीन्स क्वाड्स के तो हमने लिखते हैं एक्सप्रेशन इनको क्या बोलते हैं चार के ग्रुप को क्वाड तो क्वाड का हमने लिखते हैं तीन क्वाड्स बने थे और एक पेयर हमारा यहाँ पर पेयर बना है तो एक पेयर जो बना है इसका हमारा है टेन और एलेवन का फॉर्मूला रो साइड कॉमन है वन ज़ीरो वन ज़ीरो मीन्स ए बी बार और कॉलम साइड क्या कॉमन है वन वन और वन जीरो वन कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ सी so students this is the result for 10th question again the examiner can ask to draw digital circuit diagram